गाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजंस, क्योंकि ये टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं। इवन मैं ये कहती हूँ कि हम अनार और अंगूर खाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, तो वाई नॉट एक टैबलेट। टैबलेट से इंसान बहुत ही रेयर होता है कि साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन बस लिटरेचर लोग घर जाके पढ़ते हैं। वो तो है, साइड इफेक्ट्स चाहे पैरासिटामोल के भी हैं, किसी भी चीज़ के लोग कोई ऐसी भी पैरासिटामोल टाइप की चीज़ से भी उनको बहुत ही साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये बात नहीं है, लोग घर जाके उसका लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके फौरन बाद अम्मी ने मना कर दिया, फूफी जमीला ने कहा ये नहीं करना, बाजी शकीला ने कहा ये नहीं करना, डॉक्टर की जो ट्रस्ट लेवल है वो खत्म हो गया। यू एग्री के क्योंकि इस ग्लूकोथियोन के साथ ये भी है कि पिगमेंटेशन को कवर कर रहा होता है, बिल्कुल आपके रिंकल्स को भी कवर कर रहा होता है, आपके अंदर जो एक लेथार्जिक फीलिंग है व्हाट आई हैव हर्ड कि वो आपके अंदर ऐसी एनर्जी डालता है लाइक कि आप एकदम फुर्तीले हो जाते हैं। आप सप्लीमेंट जब भी लेते हैं तो दिस हैपेंस, ठीक है ना। ये चीजें ऐसी बात है, बिकॉज एंड प्लस कुछ लोग हैं शोबिज के जो ले रहे हैं उन पे बहुत फर्क भी आया है। बिल्कुल, हाँ, हमें तो हर पता होता है सब चीजें, सब इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें, अब यू थिंक कि जिनको वाकई जरूरत है, एक लोग होते हैं ऑलरेडी फेयर है लेकिन हल्के फुल्के स्किन टाइटनिंग भी, और अच्छा फ्रेश हो जाओ तो भी लेते हैं। एक इंसान का कॉम्प्लेक्शन वाकई डार्क है, वो डार्क है, वो चाहता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत सही हो जाए, और उस पे ज्यादा असर नजर आएगा बिकॉज़ वो डॉक्टर से आगे जा रहा होगा ना, मेंटेनेंस से आगे फेर को पता नहीं चलेगा, फेर को इतना नहीं पता चलेगा। तो एक तो कितना, दैट मींस यू योर स्कूल ऑफ थॉट, आपने कहा कि सब रिसर्च के, द थिंग इज दैट कि बिल्कुल सेफ है, ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही जगह से, और उसके बाद एक रिक्वायर्ड मुद्दत के बाद उसको रोकना होता है। देखिए ये बड़ा अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, एग्जैक्टली, वो कहे कि भाई खुद से खुद नहीं करना। और ये है कि अब इसमें ये चीजें आ गई हैं कि अगर आपने डॉक्टर आपको बता रहा है कि भाई ठीक है और आप भी एग्री करिए हाँ मैं सही रिजल्ट आ गया, देन यू शुड स्टॉप इट। अगर आप कंटिन्यूस एक चीज बहुत हाई डोज में लेते जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी नुकसान है। कई लोग तीन तीन चार चार महीने कुछ सालों उसको लेते चले जाए तो उसमें लिखा हुआ लिटरेचर भी आपको गूगल पे ही मिल जाएगा कि उसके फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये 10-15 इंजेक्शनों का 20 इंजेक्शन का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लीजिए, बंद कर दीजिए, फिर एक आध दो महीने बाद दोबारा एक आध दो तीन चार ले लीजिए। तो ये मेंटेनेंस है, और हर चीज़ हमें, जैसे हमारे बाल मेंटेनेंस चाहते हैं, हमारी स्किन मेंटेनेंस चाहती है, इसी तरह ये चीज़ें भी मेंटेनेंस चाहती है। और उसको सप्लीमेंट करें अच्छी डाइट से, अच्छी डाइट रोटी सालन चावल नहीं है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पानी है, ग्रीन टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए, तो देन आपकी सब चीज़ें एक दूसरे के साथ चलेंगी और आपकी नीड जो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है वो कम होते हुए पूरा एज अ टोटल आप सही चलेंगे। इस इंजेक्शन का इतना नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो तब पता चला जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर अफजाल के पास, बिल्कुल, तो तब पता चला कोई बड़ी अच्छी मतलब फैमिली एंड बड़े वो सब वो बात तो मैं कही कौन सा इंजेक्शन है गोरो, अच्छा आई डिडंट नो दैट अबाउट इट, और क्योंकि जब मुझे पता था हमेशा ऑन है, जब मुझे पता चला फिर मैंने जो है क्योंकि उन्होंने कहा नहीं इट्स सेफ, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, फिर मैंने औरों से भी पूछा सब, ताकि वो एक चीज होती है तो वाली बात है कि खैर डिफरेंट कुछ वाली, एक ने बोला है कि नहीं करना, मैं उनसे कहूंगी भाई क्यों आपने, यू नो लाइक, क्योंकि ओवरडू नहीं करें, ये बात एक जरूर है कि हर चीज का ज्यादा इस्तेमाल, भाई ग्रीन टी आपको दिन में एक कप का, अब आप थर्मोस पे थर्मोस पिए जा रहे हैं तो ये गलत है। अब ये इंजेक्शन तो क्योंकि हर एक को नहीं पता था, ये एक कैटेगरी हर कोई नहीं लगाता था, नहीं लगा, लेकिन ये सारी अपर क्लास जो थी ना उनमें ये चीज थी। तो ये चीज मैंने ऑन एयर ओपन की बिकॉज़ आई वांटेड टू नो, अवेयरनेस कैसे पता चलेगा आपको देना चाहिए, आप खाली एक क्लास को केटर कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, नहीं सबको, अगर बहुत से लोग चाहते हैं गोरा होना तो आया वाकई ये सही में लोगों की शादी की डिमांड होती है, लड़कियों के लिए रिश्ते का प्रॉब्लम होता है, मैंने बॉम्ब फोड़ा है, चीजें जो मुझे पता चलती हैं ताकि हर क्लास तक एक्सेसिबल हो, जो इंडिकेटेड है वहां लोग लड़कियां पॉकेट मनी जमा करके लगा रही हैं। आपने कहा, एक और ने कहा, एक ने बताया कि अगर गलत लग जाए तो वो तस्वीर भी बताई थी उन्होंने कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो 100 में किसी एक हो सकता है, बॉडी रिएक्ट करती है वो ना, एक होता है वो, तो मैंने आपको बताया हर ड्रग से है तो वो तो फिर अपनी जगह है, लेकिन ये कि बाजू का वैक्सीनेशन से कई लोगों को, जैसे अगर आपको टेटनस लग जाए, आपको ये हो जाए, तो इवन मुझे टेटनस से रिएक्शन हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं कि टेटनस है ही गलत, वो ठीक है एक दफा हो गया कि कभी टेटनस से आपको साइड इफेक्ट हो गया, लेकिन इट डजंट मीन, तो ह्यूमन ब्रेन आपकी जो विजडम अल्लाह ताला ने आपको दी आप उसको समझिए, उससे फैसला कीजिए, आपके पास काउंटर इन्फॉर्मेशन है आप इसी तरह सही का डॉक्टर से लीजिए, थोड़ा कंप्यूटर से देखिए और फिर अपने क्वेश्चन
डॉक्टर ही से कीजिए कि भाई मैं अब कंफ्यूज हूँ या मैं ये क्लियर हूँ, मैं किस तरह कैसे इससे करूँ। लेकिन ये कि आप बगैर किसी नॉन ऑथेंटिक लोगों के, जैसे कि पड़ोसन और ये सब लोगों के कहने पर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड देन वो फिर अपना नुकसान करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजी। इंशाल्लाह भी एक स्कूल ऑफ थॉट ने मना किया ना, अब मैं 2-3 और से पूछूंगी, फिर मैं अमेरिका में डॉक्टर्स हैं उनसे पूछूंगी, लंदन में जो, बिल्कुल, फिर मैं कंफर्म करके एक चीज को फिर आप व्यूअर्स को बताएं, इसी पता चले कि हर चीज पे क्लियर, हर बंदा तो नहीं कंप्यूटर तक एक्सेस, फिर हम डंकी के चोट पे कह सकते हैं ये सबने कहा आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी, इसी तरह ही होता है। कितना रिक्वायरमेंट, बिकॉज़ इट्स कॉस्मेटिक है ना, इट्स नॉट समथिंग मेडिकेटेड के जी आप हर एक को कहेंगे तुम्हें खाना लगाना ही है, इट्स जस्ट योर विश एंड योर विल, इफ यू वांट टू गो फॉर दैट यू कैन। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक कि आप आओ तो फिर हम लोग कुछ नई चीजें और जरूर चीजों पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को एग्जैक्टली किया थोड़ा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आई विल बी हैविंग यू सून ऑन माय शो। और इसके साथ नाज़रीन हम जाहिर सी बात है कन्वर्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गोरा होना चाहते हैं लेकिन किस एक्सटेंट तक, आज डॉक्टर नाजिया ने भी कहा और भी लोग एग्री करते हैं, डॉक्टर अफजाल लोधी भी एग्री करते हैं इंजेक्शन से, एक और ने भी, लेकिन एक डॉक्टर नहीं एग्री कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था ये थोड़ा सा मुझे टाइम दें ताकि मैं भी ज़रा मालूम करूं, अमेरिका में भी, लंदन में भी और यहाँ पे जो हमारे रिनाउंड डर्माटोलॉजिस्ट हैं कराची पाकिस्तान, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, ताकि फिर प्रॉपर सही कंक्लूजन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मकसद यही है कि जो भी फीडबैक हम आपको दें सही नॉलेज देनी चाहिए और जहाँ बाकी फिर आपकी मर्जी है। बट आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द मॉर्निंग लाउंज। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारे जो रियलिटी शो बेस जो खवातीन हैं उनको डॉक्टर्स के पास, उन्होंने विजिट तो कर लिया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, उनको लेके गए हम, साथ साथ जो है उनकी गायनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास वो लग गए, उनके जो एडिट होके प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट को यहाँ बुलाया जाएगा, उन तमाम मेहमानों को बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह कल या परसों फिर उनका डाइट प्लान स्टार्ट होगा, तो उस दिन से आप लोग भी स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा रियलिटी शो का प्लान 1 कि एक हफ्ते में कितना उनका कम हो रहा है, तो लिहाजा